ओ मेरे नन्हे, ओ मैं तो याद है मम्मा, मेरा अद्वितीय नाम है मैं। आए ओ मिगी मारी ओड़ो, ओए ओ मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चली गया, मैं नहीं जीना, मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चली गया यार, मिगी छड़िए, ए गल नहीं हो सकती। मेरा ये तस्वीरें तहसील आरसपुरा गांव जिंदड़ मेलू की हैं, जो कि MiG-21 में शहीद हुए आदित्य बल फ्लाइट लेफ्टिनेंट के घर की तस्वीरें हैं। यहां पर पूरा गांव और पूरा क्षेत्र जो है इस समय मातम छाया हुआ है और हर किसी की आंखें जो हैं वो नम नज़र आ रही हैं। ये आदित्य बल के घर की तस्वीरें आप इस समय NES के माध्यम से देख रहे हैं कि आदित्य बल का घर और उनके परिवार के सदस्य जो हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। आज हमको अपने बेटे पे बहुत ज़्यादा फख्र है। इस गांव को, इस तहसील को, इस जम्मू को हमारे बेटे ने उनका नाम रोशन किया है। और मैं कुछ ज़्यादा, मेरे पास आज अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। सर बचपन से ही शौक है, बचपन उसको बचपन में ही, क्योंकि पापा आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में था, तो उसको भी बड़ा एक जज्बा था कि चाचा जी मैंने भी आर्मी में ज्वाइन करनी है, डिफेंस ज्वाइन करनी है। तो हम भी उसको मोटिवेट करते थे, वो जज्बा उसके रगों में पूरा भरा हुआ था। वो तो कब मतलब बोलता था कि मैंने पायलट ही बनना है। जी उसका बचपन का एम था, फाइटर पायलट का जो उसका बचपन का एम था, उसी मतलब के बोलता था चाचा जी मैंने पायलट बनना है। फिर हमने उसको सैनिक स्कूल में एडमिशन कराई, वहाँ सैनिक स्कूल से वहाँ से ही उसने कमीशन लिया और 2014 में वो NDA में गया और 2018 में वो हैदराबाद अकेडमी पासिंग आउट हुआ था। आदित्य बल जो स्वर्ण लाल जी का बेटा है और जिंदड़ मेलू का रहने वाला है, तहसील आरसपुरा, सब डिवीज़न आरसपुरा, तो ये रात को लेट नाइट इनका कमांडेंट का फ़ोन आया इनके फादर को। तो जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो पूरा गांव जो है उस वक्त दुखद महसूस कर रहा है, पूरे गांव में एक दुखद का माहौल है, सारे लोग बड़े दुखी हैं इस वक्त, क्योंकि बड़ा एक होनहार बच्चा था, बड़ा बोल्ड बच्चा था, इंटेलिजेंट बच्चा था, गाँव में रहता था, तो इसी गाँव से वो निकला है। तो कहाँ पे एयर क्रैश में इसकी जो मौत हुई है, इन्फॉर्मेशन जो आई है, तो इसके फादर सुबह ही अर्ली मॉर्निंग जहाँ से निकले हैं वो अब पहले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर वहाँ जा रहे हैं जोधपुर, जोधपुर से फिर वो जाएंगे और उसके बाद अब देखते हैं कब तक ये डेड बॉडी आती है। अब उनकी कई फॉर्मेलिटीज़ हैं, जब वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी तो वो हैंड ओवर करेंगे। देखते हैं, अब इन्फॉर्मेशन तो ये है कि कल तक शायद डेड बॉडी 12-1 बजे तक यहाँ पहुँचने की संभावना है। और जिंदड़ मेलू आज पूरा ही गांव जो है, बल्कि पूरी पंचायत, पूरा तहसील आरसपुरा में ही ये एक बड़ा दुखद माहौल बना हुआ है। बड़ा दुख है सबको, ये जो बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, बड़ा बोल्ड बच्चा था।